और वाणी किसकी बिगड़ी, वाणी किसकी बिगड़ी, वाणी शब्द बताओ, शब्द किसके बिगड़े, इतिहास से बताना जरा किसके शब्द बिगड़े थे। नहीं, पिक्चर कम देखा करो साहब, थोड़ा ग्रंथ पढ़ा करो, सत्संग किया करो, इतिहास समझोगे तो बहुत कुछ सीखोगे, बहुत आगे जाओगे, संयमी बनोगे। ये उत्तर नहीं है सबके पास। किसकी वाणी बिगड़ी बताओ, देख लो, ऐसे बूढ़े हैं, सत्संग नहीं करते ये लोग। वाणी बिगड़ी माता द्रौपदी की, द्रौपदी की वाणी बिगड़ गई, शब्द बिगड़ गए। क्या कह दिया, अंधों के अंधे होते हैं। क्या कह दिया दुर्योधन जब गिरा, तो क्या कह दिया, अंधों के अंधे होते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, तो कह दिया द्रौपदी, इसलिए कुछ भी ना बोला करो। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी उतार दी दुर्योधन ने दुशासन से कहकर, ये केवल साड़ी इसलिए उतारी गई कि तुमने मुझे कड़वे शब्द कहे थे। वो शब्दों का बदला था, माना कि दुर्योधन का। अच्छा ये बताओ, अब दुर्योधन ने भी गलती की और द्रौपदी ने भी गलती की, बताओ गलती बड़ी किसकी थी, द्रौपदी की या दुर्योधन की, जोर से, बड़ी गलती किसकी थी, किसकी किसकी, आप बताओ किसकी, मां की, वाणी की, मतलब द्रौपदी की गलती थी। गलत है उत्तर आपका, द्रौपदी की गलती थी माना की, पर उस गलती का परिणाम ये नहीं होना चाहिए था कि भरी सभा में आप उसके कपड़े उतार के उस गलती का हिसाब लें। भाई उसने कहा था, तुम भी कह देते, भाई शब्द ही तो फेंके थे, तो दुर्योधन भी कह देता, उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सभा में कपड़े उतारने लग जाओ। लेकिन फिर भी इतिहास साक्षी है कि सब शब्दों को संभाल के रखिएगा, क्योंकि द्रौपदी के चार शब्दों ने महाभारत खड़ा कर दिया। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है, यही समुन्द्र के वो मोती हैं जिनसे इंसान को इंसान की पहचान होती है। ये शब्दों में बड़ी जान है, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए वाणी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, बोलने के पहले विचार करिए। माता द्रौपदी ने गलती कर दी, विचार नहीं किया, और दुष्ट दुर्योधन ने फिर उस गलती का बदला ऐसे लिया। इसलिए समाज में ये मैसेज है इस कहानी से कि आपके शब्दों को सामने वाला पता नहीं कितनी गहराई से ले रहा है। आप द्रौपदी तो हंसकर भूल गई, द्रौपदी तो दुर्योधन पर हंसकर भूल गई, लेकिन जिस पर हंसी वो नहीं भूला। उसके कानों में द्रौपदी की हंसी, उसके शब्द गूंजते रहे, इसलिए कुछ भी ना बोला करो।